आज से ठीक एक साल पहले इमरान खान ने शेख रशीद के बारे में कहा था कि वे ऐसे व्यक्ति को अपना चपरासी भी बनाना पसंद नहीं करेंगे, पर नया पाकिस्तान है इसलिए आज वे इसी इमरान के वजीर हैं। उन्होंने जुल्फिकार के लिए भी यही कहा था कि यह एक बच्चा है और ऐसे लोगों को राजनीति की समझ नहीं है, मगर उसी जुल्फिकार की जुल्फे आज इमरान की हवा कर रही है। इसका मतलब यह है कि नया पाकिस्तान के लोकतंत्र के जो स्तंभ बने घूम रहे हैं उनका सिर्फ फ्रेम बदला है, चश्मे सब के सब पुराने ढर्रे वाले चल रहे हैं। शेख रशीद इस बात से खपा है कि 27 अक्टूबर को उन्हें मोदी को 2-4 सौ रुपए भेजने थे, पर फजलुर रहमान ने सब गुड़ गोबर कर दिया है। जुल्फिकार इसलिए परेशान है कि फजलुर ने मार्च 2018 में उनकी वह जन्म पत्री हासिल कर ली है जिसमें उनकी 6 कंपनियों का पता नैब को चला था। बड़ी बात यह हुई कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जुल्फिकार को 26 जून को नैब के समक्ष पेश होना था, पर इमरान के वरदस्त के चलते वे छुट्टे घूम रहे हैं। फंसे हुए शेख रशीद भी है। रेलवे में नियमों को ताक पर रखकर की गई भर्तियों में उनके द्वारा नोट बटोरने की बड़ी कहानी प्रकाश में आई है, लेकिन इससे मजे की बात यह है कि पिछले 2 दिन से फजलुर खुद उधेड़बुन में है कि पाकिस्तानी मीडिया उन पर इतना मेहरबान क्यों है। इसका भेद अब जाकर खुल गया है जब बिलावल भुट्टो ने दुनिया को बताया कि इमरान खान पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल पाया है, यानी पाकिस्तान की सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत FATF की कोई खबर पाकिस्तान में नहीं चलने दी। पर असली मामला तो इससे भी बड़ा है जो पाकिस्तान की संसद तक में गूंज रहा है। पाकिस्तान से 1 लाख कुकुर गायब हो गए हैं। इन कुकुर को कहां काटा छांटा गया, अब इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सड़कों पर आवारा घूम रहे 1 लाख कुकुर अब पाकिस्तान की सड़कों से लापता हो चुके हैं। कमाल की बात यह है कि इमरान सरकार ने इन कुकुर के लिए 1 लाख वैक्सीन भी खरीदी थी, अब उसका भी पता नहीं लग पा रहा है कि वह वैक्सीन कौन पी गया। इस वैक्सीन की कीमत भी 90 करोड़ पाकिस्तानी रुपए थी। चौंकाने वाली बात यह है कि बकरीद के दौरान ही इन आवारा कुकुर की तादाद में कमी आई है। ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान के गोश्त माफिया इनकी गोश्त की सप्लाई स्थानीय दुकानों पर कर रहे हैं। यह काम इतनी सफाई से किया जा रहा है कि लोगों को गोश्त में भेद कर पाना मुश्किल होता है। गौरतलब है कि फरवरी 2019 से पाकिस्तान के सिंध के लड़काना में कुकुर का स्वभाव अचानक से उत्तेजित होने लगा था, जिसके बाद उन्होंने लोगों को काटना शुरू कर दिया। इसके बाद बहुत से लोगों में रेबीज के लक्षण उत्पन्न होने पर अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा। इस दौरान ही पाकिस्तान ने भारत से मानवीय आधार पर एंटी रेबीज वैक्सीन का आयात किया था, लेकिन नेताओं और अधिकारियों द्वारा इस वैक्सीन का गोलमाल तो किया ही गया, कुकुर भी गोलमोल कर दिए। सरकार द्वारा आवारा कुकुर को पकड़ने के लिए लगाए गए वर्करों ने भी बहुत से कुकुर इधर से उधर कर दिए, जिसके बाद पाकिस्तान की राजनीति में हलचल मच गई है। खास बात यह है कि कुछ दिनों पूर्व तक जिन सड़कों पर आवारा कुकुर की भरमार दिखाई देती थी, अब वही सड़कें उनकी धूम रूपी झाड़ू के लिए तरस रही है। खास बात यह है कि विगत माह पाकिस्तान में इसी तरह चूहों का गोश्त बेचने वाला एक सिंडिकेट भी स्थानीय प्रशासन ने पकड़ा था, जिसकी खबर हमने विस्तार से इसी चैनल पर दिखाई थी। जो लोग कल तक कुकुर के काटने का रोना रो रहे थे, अब वे उनके अचानक लापता होने से भड़क गए हैं। पाकिस्तान की संसद तक में 1 लाख कुकुर के लापता होने का मामला गूंज रहा है। इन कुकुर के लिए आयात की गई 1 लाख वैक्सीन को लेकर भी शोर है, पर सबसे ज्यादा सदमे में वे लोग हैं जिनका खाना नॉनवेज होता है। इन्हें लगता है कुकुर कहीं गायब नहीं हुए बल्कि उनके पेट में जा चुके हैं, जिन्हें गोश्त का व्यापार करने वाले लोगों ने उन्हें परोस दिया है। मतलब साफ है, पाकिस्तान में केवल फजलुर जुल्फी या शेख रशीद ही बेचैन नहीं है, बल्कि यहां तो पूरा पाकिस्तान ही परेशान चल रहा है। रेलवे स्टेशन की पटरियों से चूहे गायब है, मोहल्ले की गलियों और चौराहे सड़कों से कुकुर, 1 लाख वैक्सीन का पता नहीं है, और खुद इमरान खान कब कहां चंपत हो जाता है उसकी भी खैर खबर नहीं है। कानों में बस एक ही वाक्य गूंजता है, घबराना नहीं, मदीने की रियासत बनने जा रही है। पर सवाल यह भी है कि क्या मदीने की रियासत में यही गोलमाल होता था जो पाकिस्तान में आजकल हो रहा है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।